नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। इस वक्त आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा और आपके साथ मैं हूं ज्योतिष सिंह। महाराष्ट्र में आपदा के बीच सियासत गर्मा गई है। बीएमसी ने सर्कुलर जारी कर अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों की डेड बॉडी दफनाने के लिए पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को सौंपने का निर्देश दिया गया है। बीजेपी ने सर्कुलर पर सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी ने कहा कि जिस संगठन पर दिल्ली हिंसा समेत देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं, उसे ये जिम्मेदारी कैसे सौंप दी गई। बीजेपी लगातार निशाना साध रही है उद्धव सरकार पर। देश विरोधी संगठनों को जिम्मेदारी क्यों दी गई, यह सवाल देवेंद्र फडणवीस ने उठाया है। चलिए तो हम आपको पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर क्या हुआ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपदा के बीच सियासत इसलिए गरमाई है क्योंकि बीएमसी ने एक सर्कुलर जारी करके अस्पतालों को निर्देश दिया है कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों की डेड बॉडी दफनाने के लिए पीएफआई को सौंपने का निर्देश दिया गया है। बीजेपी अब सवाल उठा रही है कि आखिर इस संगठन को आप ये जिम्मेदारी कैसे दे सकते हैं। ये वह संगठन है जिस पर दिल्ली हिंसा समेत देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं। अब सीधे सीधे उद्धव सरकार को जवाब देना होगा और उद्धव सरकार को जवाब ये देना होगा कि मैं आपको बता दूं, जो बीएमसी है, बीएमसी में शिवसेना का राज है और इस समय उद्धव ठाकरे की सरकार है। बीजेपी ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा, यह जिम्मेदारी कैसे सौंप दी गई, क्या सोचकर पीएफआई को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जिन भी मुस्लिमों के शव हैं, जो कोरोना वायरस की वजह से जिनकी मौत हो गई, उनके शव पीएफआई को कैसे सौंप दी जाए। और वहीं पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है और सवाल दाग दिए हैं। वहीं पीएफआई को जो ये शव दफनाने का जिम्मा मिला है, उससे बीजेपी पूरी तरह से नाराज हो गई है और महामारी के बीच महाराष्ट्र में छिड़ गई है सियासी जंग और यह सब हुआ है बीएमसी, क्योंकि बीएमसी ने जिन अस्पतालों को निर्देश दिया है कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों की डेड बॉडी दफनाने के लिए पीएफआई से जुड़े सदस्यों को सौंपा जाएगा, उन सारी चीज़ों को लेकर बीजेपी को यह सारी बातें रास नहीं आई और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव पर सीधा सवाल किया और पूछा कि क्या उद्धव ठाकरे बीएमसी फैसले से सहमत हैं। दरअसल पीएफआई एक विवादित संगठन है जिस पर देश विरोधी गतिविधियों का आरोप लगता रहा है। वहीं पीएफआई के ऊपर जो कुछ पुराने विवाद थे, कुछ आरोप थे, आइए हम आपको उससे रूबरू कराते हैं। 2010 में पीएफआई के 13 सदस्यों ने प्रोफेसर का हाथ काटा था। 2012 में असम के कोकराझार हिंसा में नाम भी आया था पीएफआई का। अफवाह के जरिए हिंसा के लिए भड़काने का आरोप भी सामने आया था और 2013 में कन्नूर ट्रेनिंग कैंप में हथियार मिलने में जो हाथ था वो भी था पीएफआई का। 2016 में आरएसएस नेता रुदेश की हत्या में भी नाम आया था पीएफआई का और गिरफ्तार आरोपियों में 4 पीएफआई के सदस्य शामिल थे। 2017 में लव जिहाद में शामिल होने का भी आरोप लगा था। लव जिहाद के 94 मामले की जांच एनआईए ने की थी। 2019 में सीएए विरोधी प्रदर्शन को भड़काने का आरोप भी पीएफआई पर था। यूपी दंगों के पीछे पीएफआई की साजिश का आरोप सामने आया था। यूपी सरकार ने पीएफआई पर पाबंदी की मांग की थी लेकिन पीएफआई पर केंद्र सरकार ने पाबंदी का फैसला अभी तक नहीं लिया। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में बीएमसी सर्कुलर पर एक बार फिर पीएफआई विवादों में घिरा है, उस पर खुद बीएमसी मेयर ने जो सफाई दी है वह सुनकर लोग हैरान हो जा रहे हैं। वहीं उद्धव सरकार एक के बाद एक सियासी विवाद में घिरती जा रही है और उससे बचाव का रास्ता नहीं सूझ रहा है। पीएफआई के इस विवाद ने एक बार फिर शिवसेना के और उसके सहयोगी दलों की बोलती बंद कर दी है। तो अभी के लिए फिलहाल इतनी ही अपडेट हम आपको दे पाएंगे, लेकिन उससे पहले
हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जैसे जैसे कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा दम तोड़ती नजर आ रही है। तो ऐसे ही मुद्दों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।